हाय गाइस, वेलकम टू बात एंड बॉल। मैं हूं आपके साथ में प्रशांत। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो में मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूं, मैं किसी को सही नहीं बता रहा हूं, किसी को गलत नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। दरअसल हुआ यूं कि सुरेश रैना अपने कमेंट को लेकर विवादों में, आप सभी जानते हैं, जो उन्होंने TNPL के दौरान किया। इसी के बाद ही रविंद्र जडेजा ने एक ये ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने अपने आपके बारे में बताया और फिर जय हिंद भी लिखा। इसके बाद लाखों रिएक्शंस इस ट्वीट पर अब तक आ चुके हैं, कई रीट्वीट हो चुके हैं, कई लाइक हो चुके हैं और मिला जुला रविंद्र जडेजा का ये रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्योंकि कई लोग रविंद्र जडेजा को सपोर्ट कर रहे हैं, कई लोग उनके खिलाफ जा रहे हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि आपने एकदम सही किया, तो कई लोग बोल रहे हैं कि आप क्रिकेटर हैं, बड़ी हस्ती हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि दरअसल रविंद्र जडेजा ने ये ट्वीट कल रात में डरहम में किया है, इंग्लैंड में, 2:11:17 के आसपास रात में, और इन्होंने लिखा और उसके बाद में एंड में लिखा जय हिंद, और उसके बाद में ट्वीट वायरल होने लगा। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मैं किसी की साइड नहीं ले रहा हूँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ और ना मैं किसी के खिलाफ हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि रविंद्र जडेजा के इस ट्वीट के बाद में खबरें वायरल हो रही हैं, रविंद्र जडेजा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, रविंद्र जडेजा का साथ दे रहे हैं लोग, इस तरह से बातें ये निकल कर आ रही हैं। ट्विटर पर अलग अलग रिएक्शन आ रहे हैं, आप उनके जब ट्वीट खोलेंगे रविंद्र जडेजा के, उसके नीचे आपको काफ़ी सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे। अब देखना होगा कि कंट्रोवर्सी कितनी आगे तक जाती है जो रविंद्र जडेजा के ट्वीट के बाद बढ़ी है, और इस पर रविंद्र जडेजा का खुद क्या अगला ट्वीट होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।